हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट ग्रुप में जितेंद्र, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 गैजेट्स एंड एक्सेसरीज के बारे में जो आपकी राइड को फीचर्ड, स्टाइलिश, कंफर्ट एंड सेफ्टी एनहांस करते हैं, जो आपकी राइडिंग को एक्चुअल में इंजॉयबल बनाते हैं। तो कौन से है वो टॉप 10 गैजेट्स, चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर वन पे है क्लिप लॉक, जिसको ब्रेक लॉक भी कहा जाता है। आपकी बाइक की सेफ्टी को इनहेंस करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि बाइक चोरियां ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो दोस्तों सिर्फ आप हैंडल लॉक पे ही बिलीव नहीं कर सकते, आपको कुछ और प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत ही हैंडी भी है, मल्टीपल कलर ऑप्शन में आता भी है और आराम से 600 से 1500 के बीच में आपको मिल भी जाता है। एंड दोस्तों, ये प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपका ब्रेक जो रहता है ना, ब्रेक लीवर, वो लॉक रहता है जब तक आप उसको की से ओपन ना करें। तो मल्टीपल सेफ्टी मिल जाती है, लुक में भी बहुत अच्छा लग रहा है और मल्टीपल कलर ऑप्शन में भी आता है और चीप प्राइसिंग भी इसका अफोर्डेबल है। तो मुझे ये लगता है कि नंबर वन पे होना चाहिए बाइक सेफ्टी के लिए। दोस्तों, नंबर टू पे है टायर प्रेशर मॉनिटर। दोस्तों, वैसे ही तो ये फीचर जो है वो कार का है, बट अब जो है बाइक में भी इसके गैजेट्स आने लगे हैं। और दोस्तों, इस तरह का जो कॉस्टिंग्स होता है, पहले उसकी हम बात कर लेते हैं, वो आराम से 1500 से लेके आपको 5000 तक के बीच में मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी होता है। जस्ट दो सेंसर्स आते हैं जो आपको टायर के वॉल्व्स के ऊपर लगाना होता है, एंड जो इसका डिस्प्ले यूनिट होता है सिर्फ उसको ही चार्ज करना है। आपको सेंसर्स को चार्ज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, वो मोशन सेंसर होते हैं, जैसे ही मोशन करते हैं तो ऑटोमेटिक चार्ज भी होते रहते हैं और टायर का प्रेशर भी बताता है। एंड टायर के प्रेशर के साथ में वो टायर का टेम्परेचर भी बताता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, बिकॉज कई बार ना एक्सीडेंट जो होते हैं वो हाईवे पर जब आप क्रूजिंग कर रहे होते हैं और जो टायर में प्रेशर जल्दी कम हो रहा होता है ना, एंड आप 80 की स्पीड में हो, तो दोस्तों बैलेंस जो है गाड़ी छोड़ देती है और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। एंड आपके टायर में अगर प्रेशर प्रॉपर है तो आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। तो टायर प्रेशर मॉनिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जल्दी मेरे चैनल पे इस गैजेट पे वीडियो आने वाली है, तो चलिए देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट प्रोडक्ट। दोस्तों, नंबर थ्री पे जो गैजेट है वो है ब्लूटूथ नेविगेशन डिवाइस। दोस्तों, आजकल न्यू बाइक जैसे कि मीटियोर जो है, मीटियोर 350 है, उनमें ब्लूटूथ नेविगेशन फीचर आ रहा है, बट वो ब्लूटूथ नेविगेशन फीचर जो है बहुत ज़्यादा बेसिक है। उससे फार बेटर अपग्रेडेड वर्जन जो है मार्केट में मिलते हैं दोस्तों, बट उनका कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। आप अप्रॉक्स का कॉस्टिंग अगर लेके चले, जो नेविगेशन डिवाइस आ रहे हैं वो 7000 to 15000 मिनिमम में आते हैं। अब इससे ऊपर जो है डिपेंड्स करता है कौन से ब्रांड और कौन सी कंपनी का आप ले रहे हैं, कितने फीचर्स के साथ में आप फुली लोड ले रहे हैं, टच स्क्रीन ले रहे हैं या TFT स्क्रीन ले रहे हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं दोस्तों। बट ये डिवाइस बहुत ही यूज़फुल रहता है जो राइडर्स रेगुलरली राइड करते हैं हाईवे पे या फिर सिटी पे राइड करते रहते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। थोड़ा यूज़ टू होना पड़ता है इसके जो फीचर्स के साथ में, किस तरह से वो नेविगेट करता है, किस तरह से एरोज होते हैं, उसको लेके थोड़ा सा आपको अपग्रेड होना पड़ता है, वरना ये डिवाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। दोस्तों, नंबर फोर पे है हेलमेट ब्रेक एंड इंडिकेटर लाइट। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एड ऑन है आपकी रियर विजिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए। लुक एंड स्टाइल में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। इसका जो कॉस्टिंग आता है ना वो 2000 to 4000 के आसपास में आता है। इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई वायर की जरूरत नहीं, कोई ऐप की जरूरत नहीं है, इसमें एक वायरलेस कंट्रोल लगता है आपकी बाइक में ही, आपके ब्रेक के थ्रू, इंडिकेटर के थ्रू कनेक्ट होता है एंड उसके थ्रू ही कंट्रोल हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा एड ऑन है दोस्तों ये। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसका पावर बैकअप भी बहुत अच्छा होता है। इसका मेरे को आराम से जो है 8 to 10 hours का बैकअप में जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ अभी आएगा। ये देखिए, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें इंडिकेटर भी आराम से यूज़ होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ब्रेकिंग भी यूज़ होता है, उसमें हैजार्ड भी होता है। तो ये तीनों फीचर्स जो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जो मैंने बाय किया था वो 2200 रुपये के आसपास का था कॉस्टिंग, एंड ये सच में ही बहुत अच्छा एड ऑन है। दोस्तों, नंबर फाइव पे है ब्लूटूथ इंटरकॉम डिवाइस। एंड दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एडवांस है जब आप ग्रुप में राइड कर रहे होते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन तो एक पार्ट है इसका, जिससे कि आप कनेक्ट हो सकते हैं अपने राइडर्स के, और इसकी रेंज ही बहुत अच्छी होती है, 500 to 1 kilometer तक का रेंज रहता है दोस्तों इसका। आराम से आप राइडर से कनेक्ट होते हैं, 2 to 5, 6, 7 तक की कनेक्टिविटी होती है दोस्तों इसमें। एंड ये तो जैसे मैंने बताया पार्ट है, इसके बाद इसमें एंटरटेनमेंट फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि आप इसमें म्यूज़िक सुन सकते हैं दोस्तों, इसमें आप मतलब कॉल्स अटेंड कर सकते हैं, इसमें नेविगेशन के इंस्ट्रक्शंस आप ले सकते हैं, ये सारे फीचर्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें जो एक्स्ट्रा है वो इसमें FM मिल जाता है, लास्ट कॉल को रीडायल कर सकते हैं आप, और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो गोकोमो का है। गोकोमो जो मैंने था, इट्स अ चाइनीज़ ब्रांड, तो मैंने जो बाय किया था वो 2200 रुपये का बाय किया था। आराम से 2000+ में आपको पेयर्स जो है ना वो मिल जाते हैं, एंड ये बहुत ही अच्छा और रिकमेंड मैं टोटली करूँगा कि आपने हेलमेट्स में ज़रूर लगाइए,
आप इसको अच्छे से यूज़ करते हैं। इसमें जो बेस्ट ब्रांड कहा जाता है वो सेना कहा जाता है दोस्तों। सेना का इसलिए कहा जाता है बिकॉज उसका जो माइक क्वालिटी होती है, जो स्टीरियो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छा रहता है, एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इवन बैटरी पावर और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों अब आता है नंबर 6 पे जो एक्सेसरीज, वो है मोबाइल होल्डर विथ चार्जर। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया आजकल। जब भी हम लॉन्ग शॉट राइड करते हैं तब हम नेविगेशन यूज़ करते हैं, नेविगेशन के साथ साथ में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको आपके लिए बहुत सही रहता है। एंड अगर इसकी कॉस्टिंग की बात की जाए तो दोस्तों 500 टू 1500 के बीच में डिसेंट मोबाइल होल्डर विथ चार्जर मिल जाते हैं मार्केट में। बट हमेशा याद रखिए कि अच्छी क्वालिटी का ही मोबाइल चार्जर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पावर प्रॉपर नहीं रहता तो मोबाइल की बैटरी पर भी इफेक्ट आते हैं। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो ग्रैंड पिट स्टॉप का मोबाइल होल्डर विथ चार्जर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसका। इवन कनेक्शन देना भी बहुत ईजी आता है, बीच में फ्यूजेस भी आते हैं, कुछ अगर पावर फ्लक्चुएशन होता है तो वो आपके मोबाइल तक नहीं पहुँच पाते, एंड इवन जिसका जो ग्रिप होता है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैंने इसको ऑलमोस्ट 3-4 राइड में यूज़ किया हुआ है एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल भी रहता है और वो मोबाइल गिरने का जो चांसेस रहता है ना वो नहीं रहता, क्योंकि इसमें मल्टीपल ग्रिपिंग भी आती है। तो दोस्तों नंबर 7 पे है एयर कुशन सीट्स, एंड दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऐड ऑन है आपके कंफर्ट राइड को इंक्रीज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। दोस्तों आपको मालूम है कि बाइक्स की जो सीट्स होती है ना उसकी कुशनिंग जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है, तो हर किसी को वो कंफर्टेबल नहीं लगता और ज़्यादा लंबा आप राइड भी नहीं कर पाते, आपके बंप में जो है वो पेन करना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है, ये जो एयर कुशन सीट्स होती हैं, आपकी राइड को एक्चुअल में कंफर्टेबल बनाती हैं, एंड आप अपने हिसाब से जो है उसमें एयर फिल कर सकते हैं, जितना आपको बम्पी चाहिए, जितना आपको मोटा चाहिए। एंड इसमें बहुत सारे ब्रांड्स भी होते हैं दोस्तों, नॉर्मली जो है 1500 से लेके आपको 3000 तक के अंदर रेंज में आपको अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड सीट्स मिल जाती हैं, जैसे फीगो हो गया, उसमें ग्रैंड पिट स्टॉप का भी कम्फी आता है, सीट्स आते हैं, दूसरे भी लोकल ब्रांड्स हैं जिनके आते हैं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो ग्रैंड पिट स्टॉप का सीट है, उसमें क्या रहता है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसमें पंप जो है वो साइड में दिया हुआ है, जिससे मैं पंप हवा जो है, हवा कम या ज़्यादा जो है वो साइड से कर देता हूँ, मुझको पूरा वो मुंह से ब्लो करना वो सब करनी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। एंड एक्चुअल में ईजी टू अटैच एंड डिटैच भी होता है, तो ये सारे फीचर्स की वजह से ये प्रोडक्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है जो आपको कंफर्टेबल राइड देता है। दोस्तों 8 नंबर पे जो एसेसरीज है वो है BMW GSA की ऑक्सिलरी लाइट। दोस्तों ऑक्सिलरी लाइट जो है जिसको फॉग लाइट भी कहा जाता है, ये 1200 का रेप्लिका यूज़ कर रहा हूँ, जिसका कॉस्ट जो था नियर अबाउट 6000 के आसपास का है, एंड दोस्तों इसका विजिबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। अच्छे अगर आप फॉग लाइट यूज़ करते हैं, अच्छी लोकेशन पे यूज़ करते हैं, मतलब अगर आपकी बाइक में नीचे की तरफ लगते हैं ना प्रोजेक्टर लाइट्स तो ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं दे पाते, मगर अगर आप हैंडल के पास या हेडलाइट के एकदम बराबर ही लगाएं ना तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। एंड दोस्तों इसका जो ओरिजिनल है ना वो 30 से 35 हज़ार के आसपास आता है, बट इसका जो रेप्लिका है, कॉपी है, वो भी बहुत ही अच्छा करता है। मैं जल्द ही फॉग लाइट पे एक अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कि आप बजट फॉग लाइट कौन सा यूज़ करते हैं, ऑक्सलाइट कौन सा अच्छा है जिससे कि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो, क्योंकि ठंडियाँ आ चुकी हैं, एंड जल्दी इस पर एक वीडियो आएगी। दोस्तों नंबर 9 पे है एंटी थेफ्ट बैग फॉर राइडर्स, जिसमें कि हेलमेट स्पेस भी दिया हुआ है। दोस्तों ये बैग मैंने अभी शॉर्ट राइड पे यूज़ किया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बैग है, इसमें बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा स्पेसेस भी है, और आप ना इसमें मतलब इसका हार्ड केस जो है ना आउटर साइड में, इसके वजह से आप लैपटॉप्स और बाकी जो अपने कैमरा एक्सेसरीज जो मैं नॉर्मली कैरी करता हूँ वो इसके अंदर आप इजीली कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब आप राइड नहीं कर रहे हो तो आप हेलमेट भी इसके साथ में कैरी कर सकते हो। दोस्तों इस तरह के जो बैग हैं आपको 3000 टू लेके 5000 तक के रेंज मिल जाते हैं, एंड इसका जो कॉस्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका 4000 के आसपास कॉस्ट है, एंड मिड रेंज का सारी फैसिलिटी के साथ में ये बैकपैक आपको मिल जाता है। एंड ऐसे बैकपैक ना आपके राइड को एक अच्छा ऐड ऑन कर देते हैं, बिकॉज हेलमेट जो होते हैं ना आजकल लोग कॉस्टली बाय करते हैं, जैसे मेरे पास भी हेलमेट जो है एक्सोर का हेलमेट है, तो मैंने अच्छा अमाउंट दिया हुआ है, तो मैं इसके साथ में जाता हूँ कि वो कैरी भी हो, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। एंड लैपटॉप स्पेस, इवन स्पेसेस भी बहुत जगह है, बहुत सारे इनसाइड पॉकेट्स भी दिए हुए हैं जिसमें कि आप इंपॉर्टेंट आइटम्स जो अपने कैरी कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 10 पे है फीचर्ड हेलमेट। दोस्तों जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है सोमेन का ईगल हेलमेट, एंड दोस्तों ये जो हेलमेट है ना ये प्री लोडेड आया था, ऑलरेडी इसमें चेन माउंट दिया हुआ था, एंड ऊपर साइड में हॉर्न्स दिए हुए हैं, रियर साइड में मैंने ब्रेक एंड इंडिकेटर लाइट लगाई हुई है, एंड मैंने ब्लूटूथ इंटरकॉम लगाया हुआ है, इसके अंदर ड्यूल वाइजर के साथ में फ्लिप अप फीचर भी इसमें दिया हुआ है, अंदर की पैडिंग कुशनिंग भी बहुत सही है और रिमूवेबल भी है। तो दोस्तों ये हेलमेट का लुक फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इवन अट्रैक्टिव हेलमेट भी लगता है।
ये हेलमेट अभी इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने बैंगलोर से मंगाया हुआ था। एंड ऐसे ही बहुत सारे हेलमेट्स हैं, अगर आप 3000 के अबव जाएंगे तो दोस्तों आपको इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे हेलमेट्स मिल जाते हैं। एंड ये सेफ्टी, लुक, स्टाइल, आपका रोड प्रेजेंस, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑलवेज जब भी आप हेलमेट बाय कर रहे हो तो सेफ्टी को प्रायोरिटी रखिए, देन लुक, देन फीचर, देन कंफर्ट भी आपको इक्वली ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों आपको ये टॉप 10 गैजेट्स एंड एक्सेसरीज जो है ना वो पसंद आए होंगे। दोस्तों मैक्सिमम का जो बाय लिंक है ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं एंड कुछ और ऑप्शंस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड दोस्तों ये जो मैंने टॉप 10 गैजेट्स एंड एक्सेसरीज आपको बताए हुए हैं ये आपकी राइड को एक्चुअल में कंफर्टेबल करते हैं ताकि आप राइड को इन्जॉय कर सकें एंड मज़े ले सकें और ये राइड का जो इंटरेस्ट है ना वो बना रहे। तो दोस्तों यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्लॉग को, ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और ब्लॉग्स जो आपके लिए आते रहेंगे। बाय।